हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस, और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस 1000 पजल की सीरीज में, और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे गाइस। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस। देखो गाइस, ये हमारी 1000 पजल की सीरीज की आज 26th क्लास है गाइस। इससे पहले मैं 25 क्लासेस ले चुका हूँ। मेरा टारगेट है आपका प्री के साथ साथ मेन्स एग्जाम भी क्वालिफाई करना। अगर आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपको हर सब्जेक्ट, आपको मतलब क्या है कि हर सब्जेक्ट को आपको वेटेज देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं हो कि आप इंग्लिश के भरोसे, अगर आप इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो तो आपके इंग्लिश के भरोसे निकल जाएगा, आप अगर रीजनिंग में हो तो रीजनिंग के भरोसे नहीं। गाइस, जो अभी ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें आपको हर सब्जेक्ट में पकड़ पड़नी होगी गाइस, ठीक है? आप किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते गाइस। तो गाइस, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अगर आप बिगनर्स हो, मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये टॉपिक पजल और सिटिंग अरेंजमेंट अगर आपका ये कमजोर है तो मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने इस 1000 पजल की सीरीज की सारी क्लासेस देख ली तो आपकी हर प्रकार की पजल्स, चाहे प्री लेवल की हो चाहे मेंस लेवल की, एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगी गाइस, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन गाइस। देखो गाइस, आज जो हमारे पास ये सिटिंग अरेंजमेंट आया है, ये कह रहा है कि मेरे पास कितने पर्सन है। ये मेरे पास 9 पर्सन है, 9 पर्सन दे रखे आपको सिटिंग इन अ रो, मतलब एक रो के अंदर बैठे हैं। सच दैट सम आर फेस नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, मतलब इसमें कुछ पर्सन आपके साउथ देख रहे हैं, कुछ आपके नॉर्थ देख रहे हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। देखो, कोशिश करना वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, ठीक है? उसके बाद खुद ट्राई करना, अदरवाइज नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना गाइस, ठीक है? आई होप सभी ने ट्राई किया होगा तभी मेरा सोल्यूशन देख रहे हो गाइस, ठीक है? अब देखो मेरे पास क्या बोला उसने कि 9 पर्सन दे रखे हैं आपको, ठीक है? सिटिंग इन अ रो सच दैट फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ, ठीक है? मेरे पास कितने पर्सन है? 9 पर्सन है। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मेरे 9 पर्सन हो गए। अब मुझे इनका पता नहीं कि फेस क्या, किसी का क्या होगा किसी का क्या होगा। मतलब उसने बोला है कि अगर मेरा फेस, मतलब देखो नॉर्थ का मतलब क्या है कि इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, ठीक है? और ये मेरे क्या होगा, राइट हैंड होगा। बट अगर मैं बात करूं मेरे साउथ की तो ये मेरा राइट हैंड होगा और ये मेरा लेफ्ट हैंड होगा। ये आपके बिगनर्स के लिए गाइस, ठीक है? जो बिगनर्स है वो इस चैनल से जुड़े और इसको देख रहे हैं तो उसके लिए बता दूं गाइस, राइट हैंड क्या होता है और लेफ्ट हैंड किस साइड होता है जब हमारा फेस नॉर्थ और साउथ होगा, ठीक है? चलिए अब देखो, इन्फॉर्मेशन मेरी यहां से स्टार्ट होती है। इसने बोला कि जी सिट्स इन द मिडल ऑफ द रो एंड फेसेस नॉर्थ। ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि जे मेरा मिडल में बैठा है, उसका फेस क्या है मेरा साउथ की, अब हम नॉर्थ की तरफ है। देखो मिडल कैसे होगा, 9 पर्सन मतलब 4 इधर और 4 ही उसके उधर होंगे, मतलब लेफ्ट और राइट में बराबर इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे तभी आपका मिडल में आएगा। मतलब देखो ये हो जाएगा जी की जगह, है ना? और जी का फेस क्या है, नॉर्थ की तरफ। तो ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बोला कि नॉट मोर देन 3 पर्सन फेसिंग साउथ, मतलब 3 से ज्यादा, 3 हो सकते 2 हो सकते 1 हो सकते हैं, मतलब 3 से ज्यादा आपके फेस क्या होंगे, साउथ नहीं होंगे गाइस, ठीक है? चलिए, एच सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका एच बैठेगा, ठीक है जी? इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं तो आपको आपको ईजी लगे, ठीक है? चलिए, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, आपका एच बैठेगा। अब इसका फेस क्या है, साउथ भी हो सकता है और नॉर्थ भी हो सकता है, ठीक है? चलिए, ई फेस साउथ डायरेक्शन एंड फेस सेम डायरेक्शन एज बी, मतलब क्या है, बी और ई का फेस क्या है मेरा, दोनों का फेस साउथ है, साउथ फेसेस है दोनों का, ठीक है? क्योंकि उसने बोला है कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो ई का साउथ दे रखा है तो बी का भी साउथ होगा। चलिए आगे बोला है, द वन हुज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अगर नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा मेरा साउथ होगा, ये अगर साउथ देख रहा है तो ये मेरा क्या होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है? समझ गए इस लाइन का मतलब, ठीक है? चलिए, सी हु, अब हु आया आपके किसके लिए, सी के लिए, हु सिट टू नेक्स्ट टू, मतलब क्या है कि जी के पास में बैठा है। तो मेरे पास यहां से 2 केस बनेंगे, तो मैं आपको दोनों केस समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्या है, ऐसे बच्चे भी जो बिगनर से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है? ये हो गया, ये केस नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरा और ये केस नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब जी मेरा मिडल में बैठा था ना, तो जी का फेस भी क्या था आपका, नॉर्थ।
ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि जी के पड़ोसी होगा सी, तो इस केस में जी के लेफ्ट में आ जाएगा इमीडिएट में, और इस केस में आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड पे आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, राइट हैंड पे सी आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बोला है कि सी एंड आई आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, मतलब क्या एक दूसरे के लेफ्ट में होंगे। अब देखो फर्स्ट केस, अब मुझे ये तो पता है कि दोनों पड़ोसी होंगे, है ना। चलिए जी, अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में को सी के कैसे होगा, जब उसका फेस क्या होगा, मेरा नॉर्थ होगा तभी तो आई लेफ्ट में होगा, और आई के लेफ्ट में सी कैसे होगा, जब उसका फेस क्या होगा, साउथ होगा। सेम सेकंड केस में देखो, आई यहाँ पे आ गया, अब आई के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे होगा सी, जब उसका फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा, और सी के लेफ्ट में कैसे होगा, जब उसका फेस क्या होगा, मेरा साउथ होगा। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि फोर पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में आपके चार पर्सन बैठे हैं। अब ये कंफर्म थोड़ी है कि मेरा आई मतलब क्या है, ई आपका लेफ्ट में भी आ सकता है एक के, और राइट में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए टू पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में आपके दो पर्सन बैठे हैं, अब इसके लेफ्ट में भी हो सकता है बी के, और राइट में भी पॉसिबिलिटी है। आगे बोला है कि हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जी, मतलब बी है ना जो जी के राइट में आएगा। ठीक है, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन मेरी यहां से आ गई। अब मैं चेक करता हूं गाइस, देखो अब आपके पता है कि जी के राइट में बी, अब यहां पे कहीं भी पॉसिबल है ना। देखो अब क्या होगा, जैसे ये दो केस है, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो इंफॉर्मेशन से मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ गाइस। अब मुझे पता, अगर मैं बी को सपोज यहां पे लेता हूं है ना राइट में, एक दो ई, ये तो पॉसिबिलिटी होगी चेक, है ना, और ई के, और मतलब क्या है, ए के बीच में चार है, एक दो तीन चार, एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। बट मैं चेक करके बताता हूँ दोनों केस। ठीक है, सपोज आप बी को, अगर आप चेक कर रहे हो कि बी को सपोज आप यहाँ पे ले लेते हो, है ना, बी तो राइट में पॉसिबल है, और बी और ई के बीच में कितने पर्सन आपके, एक दो, ई भी पॉसिबल है, बट ई और ए के बीच में चार होने चाहिए, क्या पॉसिबल नहीं है ना, तो मुझे यहाँ भी पता चल गया कि नहीं आएगा, और बाकी जगह आप ले नहीं सकते क्योंकि दो की पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि बी की जगह कंफर्म हो गई। देखो ये बी कंफर्म हो गया मेरा, यहाँ पे आएगा राइट में, और बी और ए के बीच में एक दो, ये हो गए दो पर्सन, और दोनों का फेस क्या है आपका, सेम डायरेक्शन मतलब साउथ। ठीक है, ये हो गया मेरा साउथ दोनों का फेस, और ई और ए के बीच में चार पर्सन है, तो एक दो तीन चार, ये किसकी जगह हो गई आपकी, ए की। ठीक है, अब सेकंड केस देखो, अगर आप बी को यहाँ लेते हो तब भी बी और ई के बीच में दो पर्सन पॉसिबल है क्या, नहीं ना, अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तब भी पॉसिबल नहीं, एक दो ई, मतलब ये सेकंड केस क्या हो जाएगा मेरे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा ना वो आएगा मेरा फर्स्ट केस से गाइस। ठीक है, चलिए है ना, मेरा आंसर फर्स्ट केस से आ जाएगा, ये हो चुका है मेरा, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है, और मेरे ये दोनों भी हो चुके हैं। ठीक है जी, अब देखो दोनों जो एंड वाले पर्सन थे ना उनका फेस अपोजिट डायरेक्शन में, अब देखो बी का साउथ है तो ए का मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। अब देखो ये वाली, अब मुझे पता चल गया है एच और डी में से कंफर्म हो गया कि ये दोनों यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बचा हुआ पर्सन मेरे क्या होगा, ए बी सी डी ई और एफ, एफ की जगह कंफर्म हो गई ये वाली। अब देखो इनका डायरेक्शन कैसे होगा, अब उसने एक चीज बोली थी यहाँ पे, नॉट मोर देन 3%, मतलब क्या है कि तीन से ज्यादा आपके साउथ में नहीं होंगे। देखो एक दो तीन, तीन हो गए, मतलब अब कंफर्म हो गया कि सभी का फेस क्या होगा, मेरा नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब डी के, अगर मैं डी को यहां पे लेता हूँ सपोज, तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में एच आना चाहिए, यहाँ तो इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, मेरा ई आ रहा है, तो मुझे पता चल गया ये किसकी जगह हो गई मेरी, डी की, और ये जगह हो जाएगी मेरे एच की। ठीक है, अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया आपका एच, चलिए यहां से इसको हटा दे, तो मेरा आंसर क्या, ये कंफर्म आ गया गाइस। ठीक है, देखो ये मेरा कंफर्म आंसर, इस पे बेस्ड आपके पांच क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पांच मार्क्स के आते हैं और पांच ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सिंगल वेरिएबल है तो आपको प्री के क्लर्क लेवल में आपको देखने को मिलेगा, डबल वेरिएबल है आपको पीओ लेवल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है ना वो आपका जो पेपर होता है ना प्री लेवल का, वो क्या होता है इजी, मैं ये भी नहीं बोलूंगा मॉडरेट, इजी ही होता है गाइस आपका क्लर्क लेवल का, पीओ लेवल का थोड़ा इजी टू मॉडरेट हो सकता है, बट जो क्लर्क लेवल का होगा आपको इजी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो
अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा आरबीआई असिस्टेंट होना चाहिए अब टारगेट, क्योंकि जल्दी से आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन, एसबीआई क्लर्क होगा नेक्स्ट एग्जाम, और आपके पास ईएसआईसी यूडीसी का पेपर है जो 19 मार्च को होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़े इन क्वेश्चंस में जो डेफिनेट हो, और जो पॉसिबिलिटी वाली इन्फॉर्मेशन आपको नोटबुक में लिख लो गाइस, उसके बाद उसको क्या करो पुटअप करते जाओ, चेक करते रहो गाइस, ठीक है। चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट, इसने बोला है कि 10 परसन, मतलब 10 सीट्स है इन अ सर्कल सच दैट 9 परसन आर सिटिंग अराउंड इन अ सर्कुलर टेबल एंड वन ऑफ द सीट इज वेकेंट। मतलब क्या इसने बोला है, एक सर्कुलर टेबल है जिसमें 10 सीट है, उसमें से 9% बैठे हैं, एक मेरी सीट क्या है खाली है, ठीक है। चलिए ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, कोशिश करना वीडियो को फिर से पॉज करना 3 से 4 मिनट के लिए, ठीक है, ट्राई करना, खुद नहीं बनता देन मेरा सोल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। चलिए देखो, अब मुझे पता है कि मेरे पास कितने सीट है, उसने बोला है आपके पास 10 सीट्स है, एक सर्कुलर में बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सर्कल बना लूंगा, ठीक है। देखो ये मैंने बना लिया सर्कल आपका, ठीक है। अब देखो चलिए थोड़ा इसको सही से बना देते हैं हम। देखो मेरे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल आ गया, इसमें आपकी 10 सीट है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आठ, नौ और 10, ये मेरे 10 सीट हो गई। अब उसका मुझे फेस का अभी कोई पता नहीं, बट मैं आगे चेक कर दूंगा, चेक करता हूँ मैं सिटिंग इन अ टेबल सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, मतलब सबका फेस क्या है मेरा सेंटर की तरफ, ठीक है जी, ये मेरे सेंटर की तरफ हो गया, ठीक है। चलिए ये मेरा सेंटर की तरफ हो गया गाइस। अब देखो यहाँ, अब वन ऑफ द सीट इज वेकेंट, मतलब एक सीट मेरी खाली है। देखो सबसे पहले क्या करोगे आप, ऐसे इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे मेरी जो डेफिनेट हो, और उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे लिख लोगे। देखो चलिए इसका मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। के सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, अब देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। मैं क्या करता हूँ सहूलियत के हिसाब से लेता हूँ, कि देखो मैं क्या करता हूँ एच को यहाँ पे लेता हूँ। अब मेरा क्या होगा, यहाँ से इजी होगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों देखने में इजी होंगे, क्योंकि मेरा फेस क्या है सेंटर की तरफ है ना, तो लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है थर्ड लेफ्ट में, तो देखो 1, 2, 3 ये किसकी जगह हो जाएगी आपकी, के की, ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि ओनली 1 परसन सिट बिटवीन के एंड ई, ठीक है, के और ई के बीच में आपके क्या है 1 परसन है। अब ये आपकी पॉसिबिलिटी है, इधर भी आ सकता है के और राइट में और लेफ्ट में कहीं भी आ सकता है। अब मैं चेक करता हूँ आगे, ई एंड एच आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, मतलब क्या है ई और एच आपके इमीडिएट नाइबर नहीं होंगे, मतलब ई की जगह कन्फर्म है यहाँ पे तो नहीं आएगी। तो देखो एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे, के और ई के बीच में 1 परसन है, तो यहाँ पे आ गया, तो ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आप सारी इन्फॉर्मेशन लिख लो, ठीक है, तो आपको क्या होता है इजी होता है। इसको हटा देते हैं ताकि हमारा हो चुका है। चलिए आगे, आगे क्या बोला है, वेकेंट सीट इज नेक्स्ट टू ई, ई के नेक्स्ट में आपकी क्या होगी वेकेंट होगी। देखो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है और यहाँ भी मेरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मैं चेक करूंगा दोनों, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं क्या करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन को क्या करता हूँ एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए मुझे पता चल गया ई के नेक्स्ट में आपकी वेकेंट होगी, मैं वेकेंट को ऐसे करूंगा माइनस के निशान से, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में आपका कौन होगा, जी होगा, ठीक है जी। आगे बोला कि बी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, मतलब जी के इमीडिएट लेफ्ट में होगा, जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा मेरा, बी होगा, ठीक है जी। अगर देखिए सी एंड के आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, मतलब सी और के आपके इमीडिएट नाइबर नहीं होंगे, तो सी की जगह कन्फर्म होगा यहाँ पे नहीं आएगी एक, और ये आपकी यहाँ पे भी नहीं आएगी, ठीक है जी, यहाँ पे क्रॉस कर दिया मैंने। जी एंड ई आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स, मतलब जी और ई भी आपके इमीडिएट नाइबर नहीं होंगे, मतलब जी आपका कन्फर्म होगा यहाँ पे नहीं आएगा और आपका जी यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है जी। ओनली 1 परसन सिट बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में आपका 1 परसन बैठा होगा। अब पॉसिबिलिटी है वो एफ के लेफ्ट में भी आ सकता है और राइट में भी आ सकता है, ठीक है जी। जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, मतलब आई के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा मेरा, जे बैठेगा, ठीक है जी। ये हो गई मेरी सारी इंफॉर्मेशन। अब मैं क्या करता हूँ चेक करता हूँ कौन सी वाली, मैं क्या करता हूँ जो आपकी है ना ये वेकेंट सीट वाली, इसको मैं चेक करता हूँ।
सपोज मैं क्या करता हूँ, वेकेंट सीट को यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है जी। मैंने इसको वेकेंट सीट को मैं पॉसिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो इससे सी के थर्ड राइट मेरा जी है, सी मेरे यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो सी को यहाँ पे लेते हो आप सपोज, तो उसके थर्ड राइट में जी, एक दो तीन नहीं हो सकता। अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो, एक दो तीन ही तो वैकेंट है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं है, सी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन जी आपका ई का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो मुझे कन्फर्म पता चल गया सी आपका इमीडिएट नाइबर किसका होगा, एच का होगा, ठीक है जी। अब उसके थर्ड राइट में जी है तो एक दो तीन ये किसकी जगह होगी, मेरे जी की जगह होगी, ठीक है जी। अब जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है, तो इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये आ गया, ठीक है। अब हो गई मेरी ये इन्फॉर्मेशन। अब मेरी दो बच्ची, एक तो एफ और जे के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है और आई के सेकंड लेफ्ट में आपका जे होगा। अब मैं चेक करता हूँ, देखो आप आई को यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, आप आई को यहाँ ले नहीं सकते। अगर आप आई को यहाँ पे लेते हो तब भी आपकी जे की जगह पॉसिबल है, आई आपको यहाँ पे लेते हो तब भी आपकी जे की जगह पॉसिबल नहीं है। तो मुझे पता चल गया जो वेकेंट सीट होगी ना मेरी कन्फर्म, वो ई के आपके लेफ्ट में आएगी, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मेरी क्या होगी वेकेंट सीट क्या होगी आपकी, देखो ये मेरी वेकेंट सीट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ फिर से, सी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन पॉसिबल नहीं है, सी को यहाँ पे ले सकते, सी को यहाँ भी नहीं ले सकते। अब सी या तो यहाँ पे हो सकता है, एक दो तीन यहाँ भी नहीं आएगा, सी यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन यहाँ भी नहीं, तो मतलब सी की जगह कन्फर्म हो गई यही वाली होगी, ठीक है। एक दो तीन ये जी आ गया है ना, और जी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बी हो गया, ये हो गई और ये भी हो गई। अब देखो ये वाली, अब अगर आप देखो तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, आई के सेकंड लेफ्ट में आपका जे होगा, आप आई को यहाँ पे लोगे तो सेकंड लेफ्ट में जे पॉसिबल है, और एफ और जे के बीच में एक पर्सन है, तो एफ क्या हो गया यहाँ पे हो गया, एक पर्सन तो बैठा है इसके लिए तो खाली सीट है। तो मुझे पता चल गया यहाँ से आई की जगह भी कन्फर्म होगी और जे की जगह भी मेरी कन्फर्म हो गई है ना। तो आई को यहाँ पे ले लूँ मैं, और आई के सेकंड लेफ्ट में किसकी जगह होगी, मेरी जे की, और जे और एफ के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है, मतलब ये वाला है ना, ये तो खाली सीट है। चलिए यहाँ से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन भी एकदम रिलेट कर गई और मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ से आ गया गाइस, ठीक है। अब देखो गाइस आपको जो क्वेश्चंस है ना वो पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है गाइस। देखो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस, अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, और इस बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस। देखो गाइस अगर आप बिगिनर्स हो ना तो मैं आपको एक बता दूं चीज, देखो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व करने के लिए ना एक ही चीज़ है, कोई रामबाण नहीं है, रामबाण एक ही चीज़ है। आपको क्या करनी होगी, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से आपको स्टार्ट करना होगा इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अगर आप डेफिनेट से स्टार्ट करते हो ना तो आपको क्या होगा, जिसे बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ना आपकी रिलेट करते जाओ उससे। बट अगर आप क्या करते हो पॉसिबिलिटीज वाले से चेक करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा बट उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, उससे अगर मैं रिलेट करता जाऊँगा ना तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी वहाँ से आपकी इजिली फाइंड आउट हो जाएगी, और हमारा जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना वो डेफिनेटली वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब इस हजार पजल की सीरीज के बारे में बता दूं मैं आपको, देखो ये हमारी सीरीज क्या डेली होती है, मंडे से लेके ये मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस होती है गाइस, ठीक है। रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी आपको, डेली मिलेगी गाइस, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपने सारी क्लासेस देख ली कोई बात नहीं, अगर पीछे वाली क्लासेस नहीं देखी, अगर आप अभी से भी स्टार्ट करते हो ना तो मैं गारंटी देता हूँ सारे पजल्स के, चाहे प्री लेवल के हो चाहे मेंस लेवल के हो, सारे आपके इजीली बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।